केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल दौरे पर हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। वहीं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है, जिस आजमगढ़ को सपा शासन में दुनिया भर में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगार के रूप में जाना जाता था, आज उसी आजमगढ़ की भूमि पर आज माँ सरस्वती का धाम बनाने का काम होने जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने 2017 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज 10 विश्वविद्यालय बनाने का काम पूरा हो चुका है। 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था, ये वादा भी हमने पूरा किया है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है, आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बेटियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी, आज माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, अब यहाँ कानून का राज है। अरे भाई, आजमगढ़ वालों को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है क्या आजमगढ़ वालों की? यहां से लखनऊ तक आवाज जानी चाहिए। इस बार आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों में कमल खिलने वाला है। मैं आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। मित्रों, ये भूमि, ये हमारा उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है, प्रभु श्री राम की भूमि है, योगेश्वर कृष्ण की भूमि है, तथागत बुद्ध, आदिनाथ ऋषभदेव, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ, महाराज सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि है। मित्रों, इस पवित्र भूमि पर जहां कभी वशिष्ठ मुनि का आश्रम हुआ करता था, वही भूमि पर आज फिर से एक बार मां सरस्वती का मंदिर बनने जा रहा है। मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देने जा रहा हूं। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।